नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय केपी सिंह की अध्यक्षता में किया गया। आयोजित नेशनल लोक अदालत में जिले के दूर दराज से आए हुए पक्षकारों ने जिला न्यायालय में पहुंचकर संबंधित कार्यालयों के द्वारा अपने केसों का निराकरण कराया। इस लोक अदालत में पक्षकारों के कुल 141 प्रकरणों का निपटारा आपसी सुलह समझौते से किया गया। नेशनल लोक अदालत में 58,76,147 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। आयोजित नेशनल लोक अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय केपी सिंह, प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार शर्मा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तिवारी, तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशरफ अली, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अहमद रजा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश सुधांशु सिन्हा, जिला रजिस्ट्रार अधिकारी लोकेंद्र सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश लालता सिंह, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रदीप सिंह, लोक अदालत के पक्षकारगण, अधिवक्तागण, जिला न्यायालय के कर्मचारी एवं पत्रकार गण उपस्थित रहे। लोक अदालत में काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। खराब मौसम के बाद भी हमने यहाँ पे करीब 22 प्रकरणों में 16.07 लाख की वसूली कर ली है और ये 25.5 लाख का सेटलमेंट हुआ है, जिसमें कुछ जो कमी है जो अगले एक माह के अंदर आ जाएगा। के लिए तो आज हम दोनों मिल करके राजीनामा कर लिए। मैंने 5,000 छोड़ दिए और हम दोनों मिल करके उमरिया जिला न्यायालय में और तहसील पाली और मानपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस आयोजन के लिए 10 खंडपीठों का गठन किया गया था और इसमें न्यायालय से संबंधित 620 मामले रेफर किए गए थे। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन के मामले 2,402 रेफर किए गए थे, लेकिन रेगुलर केसेस पक्षकारों की उपस्थिति इस बार बारिश अधिक होने से कम हुई और 28 मामले निपटे हैं नियमित और 113 मामले निपटे हैं प्री लिटिगेशन के। क्लेम केसेज 12 निपटे हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 7 मामले निपटे हैं। विद्युत के केसेज में इस बार चूंकि केसेज वापस हो गए थे और ज़्यादातर लोगों को उसका लाभ मिल चुका है, इसलिए इस बार विद्युत के केसेज में बहुत कम संख्या रही है। और आपराधिक मामलों में भी संख्या कम होने का कारण ये रहा है कि अब बहुत जल्दी लोक अदालत लगती है, इसलिए जो पिछली बार मामले निपटे थे तब से 2 माह के अंतराल में राजीनामा योग्य मामले कम पाए गए। तो इस प्रकार टोटल जो फिगर्स हैं हमारे पास उपलब्ध यही हैं कि 113 मामले प्री लिटिगेशन के, जिसमें कि बैंक रिकवरी केसेस 78 हैं, तो इसमें वाटर बिल्स 23 हैं और अन्य टाइप के मामले 12 हैं। तो इस प्रकार से कुल 141 मामले इस बार की लोकसभा में निपटाए गए। उमरिया से हमारे संवाददाता शंकर चंदन की खास रिपोर्ट।